अस्सलाम वालेकुम जी, क्या जाना? ठीक ठाक है सब? खैर खरीत से नहीं जी भाई, आज टाइम मुझे सुबह 7 बजे का। बहुत प्यारा नज़ारा है जी, क्योंकि बादल है, नीला आसमान है, सूरज निकल रहा है। और कल ये एक छोटी सी बैड लक हो गई, कल एक बच्चा नहीं निकला जी, छोटे वाला काला बच्चा जो है, जिसको चील पड़ी थी, वो एंड पे जो बैठा हुआ उसका भाई, वो नहीं निकला ऊपर से। तो ये बात थोड़ी सी बैड लक होगी। आया था कि 2 बजे के करीब ना नीचे आया, आके तो वो सियालकोटी भी साथ ऊपर चला गया उसके। वो बेसिकली सियालकोटी नीचे आ रहा था, वो आया निकला ऊपर से, नीचे आके सियालकोटी को भी ऊपर साथ ले गया, हिट मार गया ऊपर। तो उसके बाद फिर तकरीबन वो सियालकोटी तो आ गया, लेकिन जनाब वो नहीं बैठ सका। फिर उसके बाद नहीं फिर नज़र आया किधर गया वो। उसके बाद मेरी भी इतनी कि वो तबीयत नहीं थी ठीक, तो मैं भी फिर नीचे चला गया, सो गया नीचे जाके। तो फिर शाम के टाइम जी आँख खुली है, वो समझ नहीं आई, नज़र ही नहीं आया। आज जी देखते हैं कि वो आता कि नहीं, क्योंकि इसके भाइयों में और है इनमें करंट वापस आने वाला, कि जो बड़े वाले थे जो कल जो चीनी है, जो दो माटियाँ मड़ियाँ के बैठे, वो तो जनाब वो रात रह के आई हुई है। तो बाकी जी देखते हैं अब ये क्या करते हैं। माशाल्लाह निकाल दिए भाई। नज़ारे चेक करें ये माशाल्लाह। निकल गए हैं जी सामान की तरफ माशाल्लाह। ये चेक करें टैडी मादी जी, चेक करें टैडी मादी भी उड़ी, ये बड़ी टैडी मादी है। अभी सुबह सुबह बेसिकली इनको उड़ाने का मकसद ये है मेरा कि अगर तो वो बच्चा ऊपर है या कहीं पे, इधर तो साइड पे कहीं पे बैठा हुआ, तो इनको देख के वो उड़ पड़ेगा, आ जाएगा। बाकी जी जो अल्लाह करेगा बेहतर ही करेगा। उसे जाना तो नहीं चाहिए था, उसे गायब तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब नहीं आया तो जी बैड लक होगी। बाकी जो अल्लाह करता बेहतर ही करता। ये सूरत हाल है माशाल्लाह जी, ये चेक करें जी, ये देखें जी, ओ समान ठक। चलें जी जैसे ये फिर बैठते हैं तो फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। ये उड़ पड़ेंगे माशाल्लाह जी, चेक करें ये।